हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वी द वंडरफुल्स में। तो महाराष्ट्र में स्थित एक और शानदार मॉनसून डेस्टिनेशन नानेघाट के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल बल्कि इसके साथ ही नानेघाट पहुंचकर आप क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसी के साथ नानेघाट जाने वाला जो रास्ता है उसमें भी आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में आपको बता दें कि जो पुणे से नानेघाट का डिस्टेंस है वो अराउंड 120 किलोमीटर है, और अगर आप पुणे साइड से आ रहे हैं तो आपको पहले जुन्नर पहुंचना होता है जिसका डिस्टेंस पुणे से अराउंड 95 किलोमीटर है, और जुन्नर के बाद करीब करीब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है नानेघाट तक के लिए। और जो नानेघाट से जुन्नर का जो ये रास्ता है, ये पूरा सफ़र आपको सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है। आपने सुना होगा कि समटाइम्स द जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन, तो कुछ कुछ ऐसा ही फील होने वाला है आपको इस सफ़र में। हालांकि जो नानेघाट है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा डेस्टिनेशन है, लेकिन फिर भी ये जो जर्नी है वो भी आपको हमेशा के लिए आपका जो सबसे सुहाने आपके सबसे यादगार सफ़र होंगे आपकी लाइफ के उनमें ज़रूर शामिल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं नानेघाट पहुंचने से कुछ देर पहले ही एक ही खूबसूरत सी जगह हमें यहाँ दिखी, और जहाँ पे हमें बहुत सारे लोग भी यहाँ पे ऑलरेडी रुके हुए दिखे, तो हमने भी यहाँ पे रुकने का डिसाइड किया। आप देख सकते हैं हमारी बेटी इयाना इस जगह में काफ़ी इंजॉय कर रही थी, और चारों तरफ का जो व्यू आपको यहाँ से दिखाई देता है, चारों तरफ ये लश ग्रीन माउंटेन्स हैं और इसी के साथ दूर दूर तक फैला हुआ ये हरा भरा प्लेट्यू है, तो इस सब के साथ आपको एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है। और सिर्फ हरियाली ही नहीं, यहाँ पे जो ये आपको एक छोटी सी लेक दिखाई दे रही है, ये नेचुरल एक वाटर लेक है जो यहाँ बनती है मॉनसून टाइम में, और इसके साथ आपकी जो फोटोग्राफी वगैरह का जो एक्सपीरियंस है, और इसी के साथ अगर आप अपनी फैमिली या फिर अपने पार्टनर या फिर फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पर आते हैं तो इस लेक के साथ इस लेक के आसपास जो बिताया हुआ टाइम है वो सच में आपके एक बहुत ही खूबसूरत सी यादों में हमेशा के लिए शामिल होने वाला होगा। और तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि नानेघाट से पहले आप कुछ टाइम यहाँ पे ज़रूर स्पेंड करें। और आप देख सकते हैं ये जो रोड है, रोड से जस्ट किनारे ही आपको इतनी खूबसूरत सी जगह मिल जाती है, और उसके कुछ देर बाद हम पहुँच जाते हैं जो नानेघाट का एंट्री पॉइंट है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एंट्री करानी होती है, और जो एंट्री चार्जेज हैं वो पर पर्सन 50 रुपीज़, और जो आपका व्हीकल है अगर कार है तो उसके भी 50 रुपीज़ आपको यहाँ देने होते हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं नानेघाट, और ये है नानेघाट की फ्री पार्किंग। आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप अपने व्हीकल को इजीली यहाँ पार्क कर सकते हैं। और आप ये जो सामने देख रहे हैं ये है नानेघाट का जो हाईएस्ट पीक पॉइंट, आप यहाँ पे अपना व्हीकल पार्क करके आप इसके ट्रैक के लिए भी जा सकते हैं। ऊपर से बहुत ही शानदार सा नज़ारा आपको दिखाई देता है चारों तरफ का। और जो नानेघाट का रिवर्स वाटरफॉल है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस तरफ जाना होता है, जो सामने आपको ये माउंटेन दिख रहा है यूनिक स्टाइल का, वहाँ तक आपको पहुँचना होता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करीब करीब आधे घंटे का टाइम लगने वाला है। आपको बता दें कि बीच रास्ते में आपको एक दो शॉप भी मिल जाएगी जहाँ पे आप बिस्किट्स या चिप्स या फिर पानी की बॉटल वगैरह ले सकते हैं। और जो रिवर्स वाटरफॉल है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई भी एक पर्टिकुलर रास्ता फॉलो करना जरूरी नहीं है, आप बस उसी डेस्टिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप कैसे भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं किसी भी रास्ते के थ्रू, और करीब करीब आधे घंटे में आप इजीली वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो के एंड में हम आपको नानेघाट से ही जुड़ी हुई कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और साथ ही नानेघाट से सिर्फ एक घंटे की दूरी पर आप एक और शानदार मॉनसून डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसी के साथ आपको बता दें कि जैसे जैसे आप जो रिवर्स वाटरफॉल है उसके पास पहुंचते हैं, जो नज़ारा है ये जो दूर से ये जो पहाड़ी दिख रही थी, जब आप उसके पास आते हैं तो चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जो ये लश ग्रीनरी है, उसके साथ ये जो यूनिक स्टाइल का एक बहुत ही विशाल माउंटेन है, उसके साथ जो ये पूरा नज़ारा है वो वास्तव में आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है, हमेशा के लिए आपके मन में ये सेव होने वाला होगा। और इसी के साथ जो सामने आपको दिख रहा है ये है नानेघाट का रिवर्स वाटरफॉल। आप देख सकते हैं इस टाइम पे क्योंकि हवा का जो फ्लो है वो काफ़ी कम था अनलक्कीली हमारे लिए, तो ये जो वाटरफॉल है उसका रिवर्स वाटरफॉल जैसा आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जब कभी आप जाते हैं नानेघाट वाटरफॉल
तो आप विंड पैटर्न या फिर जो विंड फ्लो है उसको भी देखकर जाएं, क्योंकि जितना तेज अगर हवा बहेगी तभी ये रिवर्स वाटरफॉल का जो आपको नज़ारा है वो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वाटरफॉल की तरफ जो जलधारा बह रही है उसी के साथ भी कुछ लोग आपको यहाँ इंजॉय करते हुए दिख जाएंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपको अनफॉर्चुनेटली जो रिवर्स वाटरफॉल है उसका नज़ारा नहीं भी दिखाई देता है तो भी जो नानीघाट का जो चारों तरफ का जो लश ग्रीनरी से भरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, उसी के साथ यहाँ पे बहती हुई एकदम शुद्ध और एकदम ताज़ी हवाएं हैं, और साथ ही जो नेचर के एकदम करीब होने वाली जो फीलिंग आपको यहाँ मिलने वाली है उसके लिए आपको नानीघाट की ट्रिप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली मॉनसून में। इसी के साथ आपको बता दें कि जो नानीघाट का रिवर्स वाटरफॉल है वहाँ तक जाने के लिए जो ट्रैकिंग का रास्ता हमने चुना था, वापस आते समय जब हम पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो हमने सेम वो रास्ता नहीं लिया, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी सारे अलग अलग रास्ते आपको मिलने वाले हैं, तो आप किसी भी रास्ते के थ्रू आप इजीली पार्किंग तक वापस पहुंच सकते हैं और एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप एक नए रास्ते से आते हैं। तो हमें भी कोई परेशानी नहीं हुई, और नानीघाट में ही एक एडवेंचर पार्क भी है जहाँ पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं, तो इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे भी हम आपको नानीघाट से ही जुड़ी हुई कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, लेकिन अगर अभी तक आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक छोटा सा एफर्ट हमें इस तरह के और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट आपके लिए और भी बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और साथ ही इस वीडियो को बहुत सारे उन लोगों तक पहुंचने में भी मदद करता है जिसको इस इन्फॉर्मेशन की नीड है। तो अगर आप बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो आपको बता दें कि जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है नानीघाट से मालसेज घाट तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता। अगर आप जो एक बहुत ही जो फेमस डेस्टिनेशन है मॉनसून का मालसेज घाट वहाँ तक जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नानीघाट से एक शॉर्टकट के थ्रू जा सकते हैं, करीब 1.25 घंटे में आप मालसेज घाट ईजिली पहुँच जाते हैं। और इसी के साथ अगर आप नानीघाट में स्टे ऑप्शंस या फिर रेस्टोरेंट वगैरह देख रहे हैं तो आपको बता दें कि नानीघाट में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलने वाला, इसके लिए आप जुन्नर में भी आपको कुछ होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, या फिर जुन्नर से नानीघाट की तरफ करीब 10-12 किलोमीटर बाद एक आपताली नाम की जगह है, वहाँ पर भी आपको कुछ होटल्स और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ईजिली मिल जाते हैं। अब अगर बात करें नानीघाट में कुछ और टूरिस्ट स्पॉट्स की, तो आपको बता दें कि आप एक जीवधन फोर्ट है उसके ट्रैक पर भी जा सकते हैं, करीब 2 घंटे का वो ट्रैक है। इसके अलावा जो एक जो हाईएस्ट पीक पॉइंट हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ तक भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और इसी के साथ शिवनेरी फोर्ट भी नानीघाट से सिर्फ 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही ऐसे बहुत से शानदार ट्रैवल डेस्टिनेशन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।